नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। जिस तरह से सुखविंदर सिंह इतने फेमस हो गए, इसी बीच वे ट्रॉलर्स का निशाना बनने में भी पीछे नहीं रहे। जी हां, सिंगर सुखविंदर सिंह की एक वीडियो खूब तेजी से ट्रॉलर्स का निशाना बनी हुई है, जिसे आपने भी यकीनन देखा होगा और जिसमें सुखविंदर सिंह अपने अपकमिंग वीडियो एल्बम के लिए शूट कर रहे थे। दरअसल ये गाना हनुमान चालीसा को लेकर बनाया जा रहा है, जिसके वीडियो के लिए वाराणसी के अवैध घाट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वीडियो शूट के दौरान अपने सहकर्मियों के साथ एक डांस किया, जिसमें वह हनुमान चालीसा के पार्ट पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर वह मात खा गए, क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा के जब इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तो वह अपने जूते निकालना भूल गए, जिसको लोग जो हैं हिंदू धर्म का अपमान मान रहे हैं और इसके बाद से ही सुखविंदर सिंह को घेर भी रहे हैं। सुखविंदर सिंह को लगातार ट्रॉल किया जा रहा है, जिसके बाद अब सुखविंदर सिंह ने सफाई दी है। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है, अगर ऐसा करने से किसी की भावना कम होती है तो साबित करके दिखाइए, हमारा मकसद भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जिस तरह से सुखविंदर सिंह ने अब सामने आके सफाई दी है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताना ना भूलें। लेकिन एक बात अगर हम देखें, जिस तरह से सुखविंदर सिंह का ये वीडियो खूब तेज़ी से वायरल हुआ, खूब तेज़ी से ट्रॉल हुआ, इसके बाद सुखविंदर सिंह की माफ़ी जो है वो अभी तक नहीं आई है, बल्कि इस पर उन्होंने सफाई दी है और लोगों को चैलेंज कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।